अभी जो ध्वनि की बात कर रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं उसका भी परावर्तन होता है जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है, टकरा के लौट के आवाज आती है। तो क्या हर वस्तु सबको, अगर ध्वनि जो उत्पन्न करने वाली वस्तु है जब कोई चीज टकराएगी तो क्या हर वस्तु एक जैसा आवाज पैदा करती है? नहीं करती है। इसका मतलब अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं। तो चलो एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या आप आवाज पहचान पाते हो, क्या वाकई में ऐसा है। तो हम उसके लिए एक बार पट्टी आंख में बांध लेते हैं, और अभी इससे पहले भी हमने खेल किया तो काफी मजेदार रिजल्ट आए थे, और अब जरा चेक करते हैं कि ये किन चीजों को पहचान पाते हैं। और एक हाथ में जो है मेरे पेन होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है, और नीचे रखिएगा इसे, हाँ से रखिए, और एक हाथ में पेन होगा और एक हाथ में हमारे दूसरी चीज होगी जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कुछ ठोस चीज की आवाज है। जैसे कोई चीज ठोस, ठोस जैसे कोई चीज, क्या ठोस? डिब्बा है, कुछ डिब्बा जैसा है। या तो मर्जी डब्बी हुई है। डब्बी क्या, दोबारा बजाए इसे, बजाए डब्बी है। क्या चीज हो सकती है? एक आखिरी चीज की तो वो आ गई है, फिर से सुन लीजिए। चलिए खोलते हैं आप उनकी और कंफर्म कराते हैं। ये कौन थी? इसमें क्या बोल रहे थे? डब्बी। ये तो सही था, जवाब डब्बा, ये प्लास्टिक का डब्बा था। अगर मैं इसे ऐसे करता तो आप एक ही बार में बता देते। चलिए एक गेम और खेलेंगे, चीजों को गिरा के पहचानने वाले। आ जाओ, रेडी? तो डेमो कर लेते हैं एक बार। क्योंकि नीचे से दिखता है। वेरी गुड, गुड चीटर। नेक्स्ट, हाँ कोई बात नहीं, वो तो पता चल गई, बढ़िया रहा। ओके, हाँ क्योंकि अक्सर क्लास में करता है, बहुत जल्दी पहचान लिया है हमने। वेरी गुड, एक और आसान सा कुछ। हाँ बोला नहीं, ठीक है, क्योंकि शुरू से सुना है। पेन, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको हमेशा गिरते हुए सुना है। गोली, वेरी गुड, ठीक है। आप जरा खोल के देख लो कि कौन कौन सी आपने नीचे ड्रेस है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल ज्ञान का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।